हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। सो गाइस, आज है 2 तारीख और भाई आज से शंकी भाई को हल्दी लगनी स्टार्ट हो रही है। तो आज फर्स्ट हल्दी लगाई जाएगी, बाकी मम्मी और मौसी आ चुकी है घर पे और शंकी भाई यहाँ पे अंदर है। और देखो यहाँ पे बहुत तगड़ा भी मैच चल रहा था जतिन और रोक्सी भाई के बीच में पंजे का, स्टार्ट होने वाला, थोड़ा सा ब्रेक ले लिया तो जाना ऊपर, मेरे पास अभी टाइम नहीं यार इनको इनका गेम देखने के लिए। तो मम्मी और मौसी बोल रही वहां पे, तो मौसी ने बोला मेरे से कि ऊपर से लकड़ी उतरवा। अब मौसी आ गई है, मम्मी अब टेंशन मतलब सारे काम होंगे पर, लेकिन थोड़ा लेट आई है, कोई नहीं ठीक है, हम लकड़ी उतार देते हैं। ओ अभी देखो गिर ज्यादा। तो भाई इस वक्त शंकी भाई की हल्दी लगाने की तैयारी चल रही है, क्योंकि शाम को शंकी भैया को हल्दी लगेगी ना। यहाँ पे आंटी और मौसी यहाँ पे बैठ के साथ काम करवा रही है, क्योंकि मम्मी नीचे बिजी है, क्योंकि मैं भी सामान लाने में थोड़ा बिजी था इसलिए मैं ढंग से शूट नहीं कर पाया। बाकी अब मैं फ्री हुआ हूँ तो मैंने सोचा चलो अब शूट कर लेता हूँ। बाकी मम्मी नीचे है और भाभी भी आ रखी है, मम्मी ये रही। शंकी भैया कहाँ है? अंदर हो दे। शंकी भैया चलो ठीक है, यार मम्मी फोन रखो अपने पास, ध्यान रखो थोड़ा सा। दवाई वाई लिया आपने? दवाई ले लो यार, मम्मी कब लोगे? ठीक है ठीक है, रख रहा हूँ। तो भाई भाभी यहाँ पे बना लिया खाना, क्योंकि जो मेहमान लोग आएंगे ना उनके लिए, और इन भाभी को तो जानते हो जिनकी शादी में हमने फुल डांस किया था, है भाभी। और अगर आप लोगों ने मेरे वाला व्लॉग नहीं देखा तो प्लीज वो जाके देखना कि हम लोगों ने कितना एंजॉय किया था। उस वीडियो का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। बाकी चलो जतिन और रोक्सी भाई आ गए, ये क्या लेके आये हो? घास। क्या बोलते दादी से? धूम बोलते। फिर लंबा होना चाहिए ना, बढ़िया वाला लंबा। एक काम करो दादी से, दाए बिल्कुल देखो। हाँ नहीं हो जाएगा इससे भी, ठीक तो है, ठीक है आए हुए। ये कारक नहीं है खाने में, छोले चावल। छोले चावल और आलू किस लिए? फिर ये वहाँ पे ये भी डाल लेंगे। अच्छा अच्छा, छोले चावल आलू। अच्छा बाकी चलो फिर भाई, अब पूछता हूँ मम्मी से कि और कुछ काम तो नहीं है यार। बाकी ये सीन क्या है कि थोड़ी मेरी हालत ऐसी हो रखी है, प्लीज ये मत कहने कि मैं कैसे गंदे से हालत में हूँ, क्योंकि सीन क्या है कि सुबह से टाइम नहीं मिला ना, फिर काम इतना सारा है तो इस वजह से यार। बाकी मैं अभी थोड़ा फ्रेश वगैरह तो हो गया, बाकी एक बार नहा दो, एक बार बीच में मैं नहाऊंगा ठीक है। बाकी चलो फिर तो मैं जानता तो हूँ नहीं किसी को, कि तुम बड़े उतार होगी छोटे उतार होगी, बनना तो ज्यादा बड़े ना ज्यादा छोटे, ठीक से उतारना ठीक है। तो क्या बनाया जा रहा है? पूड़े ना। पहले तो भाई यहाँ पे पूड़े बनाए जा रहे हैं जो प्रसाद के तौर पर दिए जाएंगे यहाँ पे सभी को। यहाँ पे मौसी और आंटी ने तेल रख दिया यहाँ पे गरम करने के लिए कढ़ाई पर, बाकी देखते हैं अभी। हम मैं और रोक्सी भी आए थे ये लेने, क्या बोलते हैं इनको, बिंटे रोक्सी भैया, मैं और रोक्सी भैया बिंटे लेने आए थे। चलो बाकी इसके लेने के बाद अब हम लोग सोच रहे क्या नाम है कि 2 करवे और लाने हैं। चलो भैया ठीक है, चलते फिर हम लोग घर पे। तो भाई मामी और मामी दोनों मामी आ गए यहाँ पे, मामी बना रही है खाना, है मामी? मैं बना रही हूँ चाय। बाकी मामी ने आज फुल येलो कलर पहना है मामी, हल्दी लगाई जाएगी, आप लगाओगे हल्दी? मैं भी लगाऊंगी। अच्छा कौन सब, मतलब जितने घर में लड़के सब लगाएंगी ना? लेके आए थे वो। अच्छा अच्छा, मिट्टी लेके आए थे जो लगाएगी, लगाएगी। अच्छा आप भी लोग नहीं लगाओगे? हम भी लगाएंगे। हाँ मामी तो गई थी उस दिन उधर से, फिर वो पीछे से उधर से उन्हें लाना पड़ेगा ब्लॉक। अच्छा
अच्छा अच्छा गर्मी लगेगी ना हल्दी तो अंदर ही लगेगी बाहर लगेगी अच्छा अच्छा पूजा करेगा ना हाँ ये लगेगी अच्छा अच्छा बाकी भाई पूजा का सामान हम लोगों ने अंदर रख दिया है क्या करवे वो ले गए लेने बाकी मैं वो लेके आ गया था बिंटे जिसे बोलते हैं ना वो बिंटे बोल रहे थे तो बाकी पूजा का सामान अंदर रखा हुआ है मैं आपको दिखाता हूँ वहाँ से मैंने जूते पहने में जा नहीं सकते भी अंदर ये रहा सामने तो भाई सीन क्या है कि मैं आपको बताता हूँ शाम के बज चुके हैं इस वक्त 4:30 बज चुके हैं बाकी यहाँ पे हम लोग लगा रहे हैं लड़ी वगैरह मैं रोक्सी भाई जैसीन चढ़ा हुआ है ऊपर जैसा आपको दिख रहा होगा अब हम लोग सोच रहे हैं कि लड़ी वगैरह चढ़ लगा देते हैं आज के अंदर हम लोग लग जाएगी भैया लड़ी वगैरह आज बाकी यहाँ से लग रही है लड़ी यहाँ पे जतिन ऊपर चढ़ा हुआ है क्योंकि शादी के घर और लड़ी ना लगे तो ऐसा मजा नहीं आता ना यार तो बस अब हम लड़ी वगैरह लगाने में लगे हुए हैं हम लोगों ने खाना वाना खा लिया बाकी अब शंगी भाई को हल्दी लगने वाली है थोड़ी देर बाद क्योंकि शंगी भाई के नीचे सामान वान तैयार कर दिया है हो गए यहाँ पे शंगी भाई के हल्दी लगाने के लिए दादी आप भी लगाओगे मम्मी वगैरह सब लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और भैया बाय नमस्ते ये वो नमस्ते ये शाइन भाई फुल एक्साइटेड है अपने हल्दी लगवाने के लिए पहली नो इग्नोर कर रहे मिको और ठीको पापा नहीं आए लाओ 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 ओए सब लोग लगाएंगे ना अच्छा अच्छा वहाँ पे सामान रखना ध्यान से थोड़ा सा कोई डंडा ना पेल दे मामी फुल डंडा मामी ध्यान रख रहे कोई कोई कुछ कह ना दे डंडा पहले लग रखा मामी ने सिक्योरिटी के लिए और भाभी वगैरह सब लोग मामी लोग सब आ गए यहाँ पे आंटी वगैरह सपना अब स्टार्ट हो गया भाई हल्दी रस्म शेंगी भाई का और आज पहला दिन है शेंगी भाई को हल्दी लगने का और शेंगी भाई को 7 बार यहाँ पे हल्दी लगेगी इसको बाण बोलते हैं बाण हाँ बाण लगना हाँ भिखारी मुझे बुलाया नहीं किसी ने पागल लड़की बताओ
दादी का रोज वाटर का तो मुझे क्या बता दूंगी। ये अब लगाइए ना भाभी ने हल्दी तो अच्छे से। सारा प्लान चौपट लगाओ 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 तो भाई फाइनल यहाँ पे शेंगे भाई को हल्दी लगा दी गई है। अब भाभी शेंगे भाई को नहलाएंगे। अरे शेंगे पूरे पर इधर कोई तू भाई है परिवार है जो हमारे घर में सिर्फ हम लोगों के अलावा और कोई ले नहीं सकता, हम शेयर नहीं कर सकते। भाई यहाँ पे चाची और भाभी आ गए थे। चाची थोड़े लेट हो गए क्योंकि रास्ते में चाची जाम लग रहा था बता रही थी क्योंकि। तो भाई नकुल और लक्की मेरे साथ है। लक्की उस दिन मजा आया भाई और नकुल एंजॉय किया फुल हम लोगों ने है ना, डांस वांस पर हम लोगों ने फुल किया। बाकी उस दिन क्या हुआ ढंग से ना उस दिन मिल नहीं पाया क्योंकि काम वाम के चक्कर में ना आधे पैर हमारा मिलने पे था और आधे पैर हमारा काम पे था। तो बस अभी सब लोग आए यहाँ पे नाश्ता वास्ता कर रहे हैं क्योंकि चाचा वगैरह बाहर में कैमरा नहीं ले जा सकता क्योंकि सोनू भी है अभी और सब उनके ऑफिस के लोग भी है।